आखिरकार कौन है अमेरिका के जंगलों में अपने साथ प्राचीन और बेहद ही पवित्र शंगोल रखने वाले ये ऋषि? आखिरकार ये विदेशी ऋषि सनातन के एक बेहद ही प्राचीन संप्रदाय को एक बहुत ही यूनिक वे में अमेरिका के इस आइलैंड के जंगलों में क्यों चला रहे हैं? क्यों ये विदेशी ऋषि अमेरिका के वर्षा वनों में सालों से सनातन की बेहद ही प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए काम कर रहे हैं? सनातन की एक ऐसी प्राचीन परंपरा जिसमें ये ऋषि अपने साथ एक बहुत ही पवित्र शंगोल रखते हैं, वो ही शंगोल जिसके बारे में आपको आज से कुछ ही दिनों पहले पता चला होगा। पर हमारे लिए शर्म की बात तो ये है कि अमेरिका के जंगलों में रहने वाले इन विदेशी ऋषियों को पवित्र शंगोल की जानकारी सालों से है, जिसके चलते ये ऋषि अपनी सत्ता का ट्रांसफर करते टाइम इस पवित्र शंगोल का यूज आज भी करते हैं, जिसके बारे में आप में से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में चलिए जानते हैं आखिरकार कौन है अमेरिका के एक सुनसान आइलैंड के जंगलों में रहने वाले ये विदेशी ऋषि जो अपने साथ एक पवित्र शंगोल रखते हैं। तो चलिए जानते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स, सोरिंग क्लिफ्स, सेरुलियन सीज, कैस्केडिंग वाटरफॉल्स, दिस रिमोट आइलैंड इज होम टू कवाईज हिंदू मॉनेस्टरी, a center of global outreach for Hinduism and intense spiritual practice, leading to experience of the divine within all. Its guru lineage is rooted in the Saiva tradition of Sri Lanka and South India, extending back 2,200 years to the Himalayas. The monastery was founded by Satguru Savaya Subramunia Swami and thrives today under the guidance of Satguru Bodhinatha Velanswami. In the Katavul temple, visitors encounter the powerful blessings of God Shiva, Ganesha, and Kartikeya. Against the majestic backdrop of Mount Waialayale sits the crown jewel, the all-granite, hand-carved Irivan temple, inspired by Guru Deva's mystical visions of Shiva. Here, Bodhinatha and 24 tireless monks live a joyous life committed to God realization. दोस्तों ये है क्वाई आइलैंड, अमेरिका के स्टेट हवाई में मौजूद एक आइलैंड जिसके वर्षा वनों में मौजूद है 382 एकड़ में फैली और चोला स्टाइल में बनी हुई एक बहुत ही यूनिक हिंदू मोनेस्ट्री, जहां पर दुनिया के अलग अलग देशों से आए हुए विदेशी ऋषि और साधक रहते हैं। ये ऋषि वेल एजुकेटेड होने के साथ साथ सनातन धर्म के शास्त्रों का बहुत ही गहरा ज्ञान रखते हैं और अमेरिका के इस आइलैंड के जंगलों में पिछले 50 सालों से ये ऋषि कैलाश परंपरा की नंदीनाथ संप्रदाय को एक बहुत ही विशेष तरीके से चला रहे हैं, जो सनातन धर्म की एक बहुत ही प्राचीन संप्रदाय है, जिसमें ये ऋषि और साधक भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते हैं। और अब जो इस नंदीनाथ संप्रदाय को लीड कर रहे हैं उस अमेरिकन महर्षि का नाम है बोधिनाथ वेलन स्वामी। इनका जन्म बर्कले कैलिफोर्निया में हुआ था और इन्होंने अपनी यंग एज में ही क्रिश्चियनिटी को छोड़कर नंदीनाथ संप्रदाय के ऋषियों के साथ साधनाएं करनी शुरू कर दी थी और हिंदू धर्म अपना लिया था। और सनातन धर्म के वेदों और उपनिषदों का अपार ज्ञान अर्जित करने के बाद इनको साल 2001 में नंदीनाथ संप्रदाय का 163वां हेड यानी की 163वां गुरुदेव बनाया गया था, जिसके दौरान ही इनको एक बहुत ही पवित्र शंगोल दिया गया था जो इस आइलैंड पर इनकी लीडिंग को दर्शाता है। House will be in order. The prayer will be offered by the guest chaplain, Satguru Bodhinatha Velanswami from the Kauai Adhinam Hindu Monastery, Kauai, Hawaii. May today's session of the House of Representatives, to which Americans rightly turn for leadership, be abundantly blessed by the Lord Supreme. Through personal introspection, a collaborative heart, and by God's all-pervasive grace, may the members present here today, despite differing views and staunchly held convictions, find the wisdom to craft mutually acceptable solutions to our nation's challenges. The tragic Boston Marathon bombings, still vivid in all of our minds, implore us to advocate the humanity of a nonviolent approach in all dimensions of life. Hindu scripture declares, without equivocation, that the highest of high ideals is to never knowingly harm anyone. May we here in this chamber and all the people of our great nation endeavor to face even our greatest difficulties with an unwavering commitment to seek out and find nonviolent solutions.
Peace, peace, peace to us, and peace to all beings. The chair has examined the journal of the last day's proceedings. और इनके बाद जो भी इस आइलैंड पर नंदीनाथ संप्रदाय का अगला गुरुदेव बनेगा उसको भी यही सेंगोल दिया जाएगा जो कि इस संप्रदाय को लीड करने वाले गुरुओं के लिए बहुत ही विशेष होता है। पर दोस्तों आपको ये सेंगोल के बारे में अभी रिसेंटली पता चला होगा क्योंकि अभी एक ऐसा ही सेंगोल भारत की न्यू पार्लियामेंट में भी स्थापित किया गया है दक्षिण भारत में मौजूद इसी संप्रदाय के गुरुओं के द्वारा। पर दोस्तों यहाँ पर अब प्रश्न ये उठता है कि इंडिया से लगभग 12,000 किलोमीटर की डिस्टेंस पर मौजूद इस अमेरिकन आइलैंड के रेन फॉरेस्ट में चोला स्टाइल में एक हिंदू मोनेस्ट्री बनाने की किसने सोची, यानी कि क्यों क्वाई आइलैंड के वर्षावनों में ये हिंदू मोनेस्ट्री बनाई गई? तो दोस्तों इसका पूरा क्रेडिट जाता है रॉबर्ट हंसेन को, यानी कि शिवाय सुब्रमुनिया स्वामी को। ये बोधिनाथ वल्यन स्वामी के गुरु थे और नंदीनाथ संप्रदाय के 162वें गुरुदेव थे। इनका जन्म ओकलैंड कैलिफोर्निया की एक क्रिश्चियन फैमिली में हुआ था और तब इनका नाम रॉबर्ट हंसन था। पर दोस्तों ये क्रिश्चियनिटी से सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए रॉबर्ट अपनी 20 साल की यंग एज में ही अल्टीमेट ट्रूथ यानी कि परम सत्य को खोजने के लिए भारत चले आए और यहाँ पर आकर साउथ इंडिया और श्रीलंका के महान गुरु जनन गुरु शिवा योग स्वामी के ज्ञान से प्रभावित होकर इनके शिष्य बन गए और भगवान शिव की भक्ति को धारण करके एक सिद्ध योगी का जीवन अपनाया जिसके दौरान इनका नाम रॉबर्ट हंसेन से बदलकर शिवाय सुब्रमुनिया स्वामी हो गया और शिव भक्ति को इन्होंने अपना जीवन मान लिया। और श्रीलंका और साउथ इंडिया के जंगलों में भगवान शिव की गहन तपस्या करने के बाद ये अमेरिका चले आए और यहाँ पर आकर इनके साथ एक अलौकिक चमत्कार हुआ। 15 फरवरी 1975 को इन्होंने कई बार भगवान शिव को अमेरिका के इस आइलैंड पर साक्षात चलते हुए देखा जिसके कारण महर्षि को भगवान शिव की इस आइलैंड पर मौजूदगी महसूस हुई, जिसके बाद महर्षि ने इस आइलैंड पर भगवान शिव का चोला स्टाइल में एक भव्य मंदिर बनाने की सोची और साल 1990 में इस मंदिर की इरेवन टेंपल के नाम से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई और इस मंदिर में लगने वाले हर एक पत्थर को भारत के बेंगलोर में हाथों से तराश कर इस आइलैंड पर ट्रांसपोर्ट किया गया जिसके कारण अमेरिका के इस आइलैंड पर भगवान शिव का एक भव्य मंदिर बन पाया। और आज भी ये ऋषि इस आइलैंड पर मौजूद इस हिंदू मोनेस्ट्री को डेवलप करते जा रहे हैं सनातन धर्म की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को दोबारा से जीवित करने के लिए। और दोस्तों सन 2001 में महर्षि शिवाय सुब्रमुनिया स्वामी ने इसी आइलैंड पर समाधि ली और अपना नश्वर शरीर त्यागा जिसके बाद इस पवित्र सेंगोल को महर्षि बोधिनाथ को सौंप दिया गया और आज इस हिंदू मोनेस्ट्री के गुरुदेव यही हैं जो दुनिया भर से आए हुए विदेशी लोगों को भगवान शिव की भक्ति की दीक्षा देकर सच्चे साधक और ऋषि का जीवन दे रहे हैं। तो दोस्तों ये थी अमेरिका के वर्षावनों में रहने वाले इन ऋषियों की अनसुनी कहानी जिसके बारे में आप में से ज्यादातर को पता ही नहीं था। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।